बस चार में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद है, बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे सुपरस्टार शो का जो पहला एपिसोड है वो हम लाइव कर रहे हैं और मेट्रो वन टीवी पे। और आप जैसे कि जानते हैं कि जो हमारे शो है वो इतिहास का पहला शो इसलिए है क्योंकि इसमें ओपन फिजिक मॉडल चैम्पियनशिप हम करवा रहे हैं और लाइव इस टाइम हम जा रहे हैं। हमारे साथ जो जितने भी गेस्ट हैं बहुत काबिल एहतराम है। हमारे साथ कोहो, सबसे पहले हमारे जो शो के बेसिकली बैकबोन है मोहम्मद रमज़ान खान हमारे साथ मौजूद है, इनके लिए तालियां हो जाएं प्लीज़ सबसे पहले। इसके साथ जजेस के जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हमारे साथ सैयद रेहान अली हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, प्लीज़ इनके लिए भी क्लैप्स हो जाए। और स्पेशल गेस्ट में हमारे साथ एस मंसूर साहब मौजूद हैं जो हैदर मोटर्स के मालिक हैं, प्लीज़ इनके लिए भी क्लैप्स हो जाएँ। शारिक अली साहब मौजूद हैं जो लाइफ फिटनेस जिम के ऑनर हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए भी प्लीज़ क्लैप हो जाए। और सेलिब्स में हमारे पास जो हैं हमारे पास मौजूद हैं जो किसी भी जो है बेसिकली तारीफ को मोहताज नहीं है, नुसरत रिज़वी साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती टाइम से अपने टाइम निकाला। और हमारा शहजादा इरफान अहमद जो हमारे साथ मौजूद है जो हमारा अपकमिंग मॉडल है, हमारी बेस्ट विशेष है फॉर उसके लिए कि वो मीडिया में उन्होंने अभी कदम रखा है और हम चाहते हैं कि वो इस सफ़र को बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते इस तरीके से, प्लीज़ क्लैप्स हो जाए इनके लिए। अच्छा नाज़रीन, जो हमारा शो है उसका पैटर्न आज ये बेसिकली लाइव शो का लाइव शो का हमारा जो पैटर्न है वो ये है कि हमारे पास ओपन फिजिक मॉडल चैम्पियनशिप कराई जा रही है हमारे सुपरस्टार शो में। इस शो की खसूसियात ये कि हिस्ट्री में कभी भी ऐसी चैम्पियनशिप किसी भी शो में नहीं कराई गई है। हमारे पास कंटेस्टेंट में जो लोग मौजूद हैं, जो लड़के यंग मौजूद हैं, उसमें सैयद हमज़ा अली, एम अकरम अहमद, फहद शेख एंड इसके साथ एजाज यूसुफ जई और एक और हैं इसमें यूनुस, आई थिंक सो, क्या नाम है आपका, कौन रह गया वो अपना नाम बता दे, क्या नाम है आपका, अजीम, अजीम जी जी, मैं बेस्ट विशेस देता हूँ फॉर उनके लिए कि वो इस शो का हिस्सा बने और देखते हैं कि कौन आज अपना सफ़र ख़त्म करता है इस शो में और कौन अगले एपिसोड में क्वालिफाई करता है। ठीक है, हम शो को इसमें आगे बढ़ाते हैं। जी रमज़ान भाई, आपके पास क्या मसाला है आज, आपकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है और कंटेस्टेंट मौजूद हैं, बॉडी बिल्डिंग से आपकी वाकफियत है, एक बहुत अच्छे खदमात फ़राइज़ अंजाम देने क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को मैं एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। ये एक फिटनेस मॉडल फिज़िक जो है हमें अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया और ये हमारे फूल हमारे सामने बैठे हैं। सही। और उनकी जड़ सैयद रेहान अली और शारिक भाई भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, बॉडी बिल्डिंग से भी और मार्शल आर्ट से भी। हाँ, और बाकी हमारे जो है मंसूर भाई भी जैसे वक्फे वक्फे से हमारे इवेंट में या जो भी बॉडी बिल्डिंग के हवाले से होते हैं उसमें पीछे नहीं है। सही। तो ये सब हमारे वो हैं। और फिर नुसरत भाजी तो ये जारी से तो मुल्क का बड़ा नाम है। सही। और अली रिज़वी भाई आप माशाल्लाह तो यहाँ आके आपने पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे स्पोर्ट्स को चुना तो हम आपको सलाम पेश करते हैं। और सब हीरोज़ हैं, मैं तो हर खिलाड़ी जो पैदा हो रहा है उसको भी हीरो समझता हूँ। बाकी आप बेहतर समझते हैं। नाज़रीन हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास जो हैं रेहान भाई मौजूद हैं, सैयद रेहान अली जो हमारे जज हैं, जज के फ़राइज अंजाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में रेहान भाई, जो कंटेस्टेंट के हवाले से सबसे अच्छा माइक ले लें, माइक ले लें जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हम फिटनेस के लोगों को भी इस मीडिया पर आने की इन हालात में, क्योंकि आपको पता है तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर थी। सही। लेकिन ये एक समझे कि एक अच्छी होपफुल हमें आपकी कोशिश लगी कि चलें इस बार नहीं सही जो हमारे एथलीट्स और हमारे फिटनेस प्लेयर्स जिम नहीं ज्वाइन कर पा रहे ठीक है तो कम से कम घर बैठ के ही जो अपनी थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट है वो कर सकें। हाँ ठीक है। तो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे ऐसे जज सही या इनवाइट किया। नहीं यार, ब्रांड में ऑनर लगता है कि आपने माशाल्लाह से अपने इतने इतना टाइम दिया इस फील्ड को और आप इस चीज के आपकी बिल्कुल मोहब्बत है जी अली भाई जी। माशाल्लाह मुझे 35 इयर्स इस फील्ड के अंदर हो चुके हैं माशाल्लाह से। ठीक है, प्लीज क्लैप हो जाए कंटेस्टेंट यार, ठंडे ठंडे लग रहे हैं आप लोग सारे के सारे यार। चले और इसमें यह है कि मैं अपने जिम भी रन कर रहा हूँ। सही। टारगेट जिम के नाम से जी मैं जिम रन कर रहा हूँ
और इसमें ये कि काफ़ी मैंने अपने प्लेयर्स तैयार किए हैं। सही, ठीक। और उसमें ये कोशिश हमारी होती है कि न्यू जो हमारा टैलेंट है उसको हम आगे लाएं। आगे लाएं, सही। तो पहले तरह ये था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास यंग टैलेंट अच्छा आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम आंटी नुसरत के पास चलते हैं। आंटी नुसरत, आप क्या कहेंगे माइक ले लीजिए, आपकी क्या तसव्वुरात है इस कॉम्पिटिशन के हवाले से और आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो वैसे ही इल्मे नजूम है, आप होना चाहिए माहिर इस तरीके से ना। ये जो किस्मत की देवी होती है मेहरबान होती है, देर नहीं लगती है। सही है। और ये भी स्टार्स एक दिन के सुपर स्टार्स बन सकते हैं। सही, चांस मिलने की देर है और तुक्का भी लगता है इसमें, और तो इंशाल्लाह ये बड़े कामयाब होंगे। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी जी, प्लीज क्लैप हो जाए सबके लिए। इस तरीके से हम शो को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला है वो हमारा है कंटेस्टेंट्स की पोजिंग्स का, ठीक है ना। सबसे पहले कंटेस्टेंट से पूछते हैं, ठीक है, कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। माइक दे दीजिए उनको प्लीज़, एक मैं ले गया माइक है प्लीज़। हाँ, एक एक करके अपने तासुरात बताइए कि आपके क्या जज्बात हैं आज की फीलिंग्स, क्योंकि आज कौन घर जाएगा वापस और कौन आगे अगले एपिसोड में जाएगा किसी को नहीं पता भाई, ठीक है। आप कौन से टाइटल जीते हैं आपने वो भी बता सकते हैं। चैंपियन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू, और आप सब मेज़बान को मेरा बहुत मोहतरम सलाम। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे आके, और यहाँ पे हम हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि हम किसी को हराने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैं भी एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर, और मैंने भी काफ़ी टाइटल्स लिए हैं, मिस्टर कराची, मैन फिजिक चैम्पियन, अभी तक लगातार मैं 4 दफ़ा लगातार चैम्पियन होता हुआ। हमारा काम, हमारा मिशन यही है कि हम हेल्थ एंड फिटनेस को। अच्छा, टाइम की थोड़ी सी किल्लत है तो इसलिए माइक आपको आगे आगे बढ़ाने पर रफ रफ आप अपना इंट्रोडक्शन देते जाएं, बता दे जाएं प्लीज। मैं भी एक जिम ओनर हूँ, मेरा भी अपना जिम है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि फर्स्ट टाइम ऐसा मुकाबला हो रहा है, ऐसा कंपटीशन हो रहा है जो कि लाइव जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई कंपटीशन हुआ नहीं है जो कि लाइव जा रहा है। पहले अपना नाम बताइए, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अच्छा, हाँ, मेरा नाम एजाज यूसुफ़ई खान, और उनके कौन से ताल्लुक है मेरा, ठीक है, और मैं यहाँ पे सिर्फ हेल्थ के हवाले से आया हूँ, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले ये खुशी है मेरे को कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है कंपटीशन हो रहा है वो भी लाइव जा रहा है। ये पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरह से होगा जो कि लाइव हमारा कंपटीशन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद, आपने व्यूज देने के तरीके से। हम आगे बढ़ते हैं, कौन कंटेस्टेंट है हमारे पास? अकरम अहमद, मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, अपने नाम के साथ इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सबको, मैं भी एक फिटनेस जिम से ताल्लुक रखता हूँ, और मैं यहाँ जो आया हूँ बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और मैं आगे हर लड़के को बोलता हूँ कि फिटनेस ज्वाइन करें, क्योंकि ये हर उसके लिए ना नुकसान देनी है। सही, बहुत अच्छा, प्लीज क्लैप्स हो जाए। क्लैप जरूरी है। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम अजीम अहमद है, मैं भी फिटनेस हेल्थ से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे बहुत शौक है बॉडी बिल्डिंग का करने का, अच्छी इससे मतलब फिर अच्छी रहती है बॉडी, इससे मेंटेन रहता है, क्रेज है जी बॉडी बिल्डिंग का। जी जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। अच्छा फील होता है यहाँ आके, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें, ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग मेरा शौक है। सही, ठीक है, इसको मैं मजीद और आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? अहमद, अहमद नाम है, ठीक है अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया व्यूज देने का। आगे बढ़ाइए, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद है, मैं खुद जिम ओनर हूँ, मैं खुद जिम की मशीनें भी बना इक्विपमेंट तैयार करता हूँ। जी जी, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। गुड, वेरी गुड, ठीक है, सही है, ब्रेक ले लेते हैं। जी नाजीन, अभी हम इंशाल्लाह ताला सबको इंट्रोडक्शन हो गया है, और अभी हम इनकी जो है बेसिकली फिटनेस के हवाले से देखेंगे, इनकी पोजिंग्स देखेंगे। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि रमज़ान भाई, आपके पास मादा तो होता है, मादा क्या क्या जमा करके रखा है आपने? हाँ हाँ, जमा करके हमने अच्छी चीज़ बताते रहे बीच में हमारे नाज़रीन को, ताकि वो खुश होते रहे। सबसे ज़्यादा तो हमारे मुल्क में या ऑल वर्ल्ड या एशिया में फैट जो है ना बॉडी पे बहुत जल्द आ जाता है, क्योंकि हमारी डाइट प्लान जो है ना वो कुछ होता ही नहीं है अक्सरियत का। सही, अक्सर तो हमें यानी कि आम तौर पे हमें डाइट पे ही अमल करना चाहिए, तो उसको देखते हुए मैं समझो मुझे भी 45 इयर्स हो गए। इरफान को आपने डाइट प्लान देके मॉडल बना दिया। असलम भाई के पास दे जाए ना। हाँ इरफान, क्या हुआ कि तुम इंडस्ट्री में आ रहे हो मॉडलिंग के हवाले से, एज अपकमिंग मॉडल आ रहे हो, तुम क्या फीलिंग्स है तुम्हारी? आज इंटरनेशनल टेलीविजन का तुम्हें प्लेटफॉर्म मिला, मेट्रो वन पे तुम बैठे हो, बहुत बहुत फील लग रहा है, फील कर रहे हो? और मैं ये बहुत फैटी थे। हाँ सही, एक साल पहले तकरीबन बहुत ज़्यादा फैटी था, ठीक है, और मुझे असलम भाई ने, नूर जिम में मैं वर्कआउट करता हूँ, तो वहाँ पे असलम भाई ने मुझे बहुत
बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी है, और जिसकी वजह से मैं जो हूँ आज वो मैं असलम भाई और अन्नूर जिम की वजह से हूँ। अच्छा, वो आपने जो पूछा तो कुछ चीज़ में तमाम ऑडियंस के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से बाहर भी, एक फ्लोर आटा जो है हम कहते हैं उसे आमतौर पे, उसका पराठा जो है ना बना के, पराठा बना के रिड्यूस हो सकते हैं उसमें। जी नबी, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्लीज नाजी कहीं मत जाइएगा, नहीं देखते रहिए हमारे सुपर स्टार शो, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द शो नाजीन, मैं आपका मेज़बान अली हुसैन इस टाइम हमारे सुपरस्टार शो में दोबारा एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आया हूँ। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे शो, और ये कि इंशाल्लाह आपने कमेंट्स फेसबुक पर ज़रूर कीजिएगा, जब ये वीडियो फेसबुक पर आए, यूट्यूब पर आए, ज़रूर अपने कमेंट्स कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको। अच्छा, हमारे साथ सबसे अच्छी शख्सियत जो बहुत वेल लग रहा है, माशाल्लाह से बड़े अच्छे लग रहे हैं, शारिक भाई क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे लाइफ फिटनेस माशाल्लाह से। सबसे पहले कि आपने इस शो में मुझे मौका दिया, सही, और मेरे ख्याल का इजहार कर सकता हूँ, ऐसी बात तो बहुत अच्छा है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए, सही, क्योंकि स्पोर्ट एक्टिविटी होंगी चैनल वगैरह पे तो इससे मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन, ठीक। और आजकल वैसे ही राज है, लॉकडाउन चल रहा है, जी जी, एक खोला फिर दूसरा खोला, जी 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 बिल्कुल। एक्चुअल मेरा बैकग्राउंड मार्शल आर्ट से, मार्शल आर्ट जुजुत्सु। अच्छा, तो अभी 2008 से 2019 तक हमने तकरीबन 40 मेडल्स इंटरनेशनल लिए, ठीक है, और वो भी सिंध कराची के जो एथलीट। तालियां हो जाए प्लीज, आप लोग क्या सो रहे हैं कंटेस्टेंट यार, तालियां बजाओ, सुनो क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो जो सिंध और कराची से, पाकिस्तान लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, सही, ये इंटरनेशनल जो हमने मेडल हासिल किए, और 3 साल हमने एशियन चैंपियन रहे कंटिन्यू, और वर्ल्ड रैंकिंग में 2nd पोजीशन रही है 4 ईयर। अभी लास्ट ईयर 2019 में हमारी एक वुमेन एथलीट वो अपना बैंकॉक में, सही, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कप में गोल्ड मेडल हुई। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। मंसूर भाई काफी बेताब लग रहे हैं मुझे कुछ बोलने के लिए। क्या बोले मंसूर भाई, हैदर मोटर्स के मालिक हमारे साथ मौजूद है, हमारे लिए बहुत एजाज की बात है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ये हमारे सही, ये ना होते तो हमारा शो नहीं होता, सीधी सी बात है, ये नहीं होता आने वाले वक्त में हो सकता कार नहीं देने मोटर, जाहिर सी बात है, सही है ना। और ये जाहिर सी बात है, सबसे पहले थैंक टू द प्रोडक्शन टीम आप लोगों के लिए, सबके लिए, हमारे कैमरामैन के लिए थैंक्स होना चाहिए यार, इनके बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे मेकअप वाले बैठे हुए इनके लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, हम अब जो शुरुआत कर रहे हैं बेसिकली पोजिंग के हवाले से शुरुआत कर रहे हैं आपकी कंटेस्टेंट की। अच्छा, एक एक करके आपने आना है और पोजिंग करनी है, ठीक है ना, आपके पास 2 मिनट का टाइम होगा। आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं रमजान में, ये आपने आपका सेगमेंट है, आप अब इस चीज़ को स्टार्ट करें, कैसे आपने स्टार्ट करना है। जी नाजी, ये इतिहास का सबसे पहला शो होगा मॉडल के हवाले से लाइव पोजिंग देखेंगे, जितने भी कंटेस्टेंट हैं लाइव पोजिंग्स करेंगे और एक एक करके आएंगे, एक एक करके। अब बाकी बैठ जाएं इतने मंसूर भाई, बाकी बैठ जाएं वहाँ पे, एक एक करके आएंगे। एजाज आप बैठ जाएं, एजाज आप बैठ जाइए, एक एक करके आएंगे, ठीक है ना। जो उधर जाएगा फिर वो आएगा, फिर वापस वो वहीं जाके बैठ जाएगा, शिफ्ट आएंगे, ठीक है, लाइव पोजिंग के लिए, ठीक है। आप रमजान भाई, आप इस चीज को हैंडल करें, कैसे आपका, ठीक है, आपकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, आप किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये तमाम खिलाड़ी अपने वन बाय वन जो है ना अपने शर्ट्स उतार के सामने आ जाएंगे, फिर बकायदा तमाम ओपन हो जाएंगे, फिर रेहान भाई का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब वो आके चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर एजाज भाई आप आएंगे, ठीक है, वन बाय वन करके कम से कम टाइम लगाएंगे, एजाज आ जाए, ठीक है, आप आ जाइए सामने, आ जाइए ग्राउंड में, बिल्कुल। एक दफा बहुत ज्यादा जोरदार क्लैप्स फॉर अवर प्रोडक्शन टीम, आ जाइए सामने, आ जाइए सामने, आ जाइए आप बिल्कुल सामने, आ जाइए और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, दैट्स इट, दैट्स फाइन, ठीक है। रेहान भाई की तरफ आपका ज्यादा फोकस होगा, जज हमारे ही हैं, ठीक है, थोड़ा सा जैसे दिया आपको, हाँ,
कोई शक्ल उतारने। याद रहे हर कंटेस्टेंट के पास 1.5 मिनट है, इस वजह से आप इसको देखें फ्रेम। जायजाद आप शर्ट उतारें, ठीक है रियान भाई, इज इनफ फॉर दैट। ओके थैंक यू, हाँ ठीक है, 1.5 मिनट चल नेक्स्ट आ जाए। नहीं उस नेक्स्ट एजाज शर्ट उतार, एजाज आ जाइए। ये खिलाड़ी माशाल्लाह बहुत बैठ जाइए, ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर द गिवन, ठीक है। ये बहुत मेहनत के साथ आते हैं, अपना डाइट प्लान बना के आते हैं और कई 1 से 1.5 माह अपना फैट को रोक देते हैं, और घर में जो राइस वगैरह चावल वगैरह उनको रोक देते हैं, फैट्स को बिल्कुल रोक के और अपना नॉन फैट डाइट लेते हैं, बिल्कुल परहेज करके जो घर वाले सब खा रहे होते हैं और ये लोग नहीं खा रहे होते, और फिर ये अपने मसल जो है इस तरह से तलाश करते हैं। से जल्दी आ जाइए, 1.5 मिनट की पोजिंग से हर तमाम कंटेस्टेंट के लिए, जो अच्छे लगे उसके लिए तालियां अकरम शर्ट उतारें, फौरन तालियां बजाइए सबके लिए, सबकी तालियां बजाइए, बैठ जाइए अभी आप, अभी आप बैठ जाइए, अभी कंटेस्टेंट बैठ जाइए 1.5 मिनट बाद, अच्छा ठीक, जब बैठ जाइए तालियां बजाइए, जो अच्छी लगे पोजिंग से आपको उसके वाले से बॉडी अच्छी लगे आपको जरूर तालियां बजाएं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आप अपने सही टैलेंट को इस तरीके से, ठीक है वेरी गुड जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अकरम फौरन शर्ट उतार, फौरन शर्ट पहन के आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड वन है वो आ जाएगी अपने पास, और जो दो हैं अहमद आप आ जाइए, अकरम आप जो कैमरामैन जैसे आपसे कह रहे हैं उस तरीके से आप पोजिंग दीजिए, ठीक है जैसे देखिए आप उनकी तरफ, ठीक है हाँ उधर उधर आगे देखिए, हाँ वो जज भी देख रहे हैं ना उधर, हाँ देख रहे हैं उधर भी दिखाएं, उधर भी प्लीज जल्दी शर्टें पहन लीजिए अपनी और बैठ जाइए अपनी सीटों में जाकर। अच्छा ये बेसिकली बॉडी बिल्डिंग नहीं है, ये सिर्फ मॉडल फिजिक है और फिटनेस के ऊपर इसको हमने रखा गया पूरे वर्ल्ड में, शरीफ भाई यानी कि 85% फिटनेस फेल चुकी है और बॉडी बिल्डिंग यानी कि जितने भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो कैमरे की तरफ देखिए, प्लीज स्लैप हो जाएं कैमरे की तरफ देखिए, कैमरामैन राइट द कंटेस्टेंट, ठीक है सही है ओके ठीक है। अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाए जल्दी से, और जिन जिन्होंने कर दी है वो बैठ जाए, वो बैठ जाए अपनी शर्ट उतार के, ठीक है शर्ट उतार, पीठ मेरी तरफ कीजिए, फेस उस तरफ कीजिए अपना, और आगे आइए, और आगे आइए, शर्ट पहन के हाँ बस दैट्स इट, ठीक है अपने अपनी जगह आ जाए सब लोग, हाँ पोजिंग कीजिए, आपने इनको भी इंप्रेस करना है इधर बैठे हुए, असल में स्क्रीन को शरीक भाई इसमें स्क्रीन हमें पेपर करनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा मसल शो करने शो होते हैं, अब आज के जो जज हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं उसी साथ। थैंक यू वेरी मच आपकी पोजिंग से, बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां हो जाए प्लीज़ क्लैप हो जाए, आखिरी कंटेस्टेंट आ जाए, बाकी के सारे बैठ जाए प्लीज़, बाकी के सारे अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए प्लीज़, जो जो कर चुके हैं वो अपनी सीटों पर बैठ जाइए प्लीज़, अपनी जगह को ना छोड़ें, पप्पा अभी नए खिलाड़ी हैं जो इन्होंने अभी, इनके लिए भी नए खिलाड़ी हैं इनके लिए, हाँ तालियां हो जाए ताकि हौसला अफजाई होती रहे, हौसला हौसला अफजाई की थोड़ा पीछे आ जाए, आने पर क्या नाम है आपका बेटा अहमद, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, लास्ट जितने भी कंटेस्टेंट है सबके लिए लास्ट दोबारा तालियां हो जाए, एक रहेंगे जी 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 बिल्कुल आ जाए प्लीज, क्लैप्स हो जाएं जो जो आ रहा है सबके लिए क्लैप्स हो प्लीज सबको, और फॉलो द कैमरामैन, कैमरामैन जो कह रहे हैं उनको फॉलो करें, और प्लीज अपनी जगहों पे बैठ जाएं, हमजा अपनी जगह पे बैठ जाइए, नेक्स्ट आप अपने आप को शार्प करके आए बॉन्डिंग का प्रोग्राम, थैंक यू अहमद आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ऑल कंटेस्टेंट का जिन्होंने अपनी लाइव पोजिंग दी यहाँ पे, होपफुली रियान भाई क्या कहते हैं ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं रियान भाई से पूछ तो ले तासुरात क्या है, एक एक करके तासुरात पूछ लेते हैं ना आप लोग ही, क्या है माशाल्लाह काफी अच्छी तैयारी करके आए, जल्दी से बैठ जाइए, कुछ इसमें न्यू कमर्स भी हैं जाहिर बात है उनको सीनियर्स आ जाए अपनी जगह, एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलेगा, और बाकी लेट्स सी क्या देखते हैं, सही ना देखा जाएगा कौन जाता है और कौन फिर नेक्स्ट एपिसोड में आता है, पेशेंट कोई जो है वो एंटीजन कर सकती है, बच्चे मायूस हो जाएंगे इनके साथ के साथ लड़के इनकी पेशेंट क्या है, आप माइक ले ले माइक ले ले माइक लेके कुछ कहना चाहेंगे, देखिए ना सारे मामलात में किस्मत का खेल तो होता है, सही है, और कौन कोई नहीं जानता कि कोई मिस्टर पाकिस्तान बनेगा या बिल्कुल सही, वैसे इनमें से आपको क्या लग रहा है किस्मत का कुछ तो बताएं, ताकि ये मोटिवेट
ग्रेजुएट हूँ। बल्कि और लड़के भी इनकरेज होंगे इनको देख कर, बिल्कुल उनके अंदर भी शौक पैदा होगा। बेहतरीन माशाल्लाह, सबने अच्छी तैयारी की, क्योंकि न्यू भी हैं और अच्छे हैं, बहुत अच्छी तैयारी की है माशाल्लाह से। जाना चाहिए प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, और दोबारा से एक दफा थैंक करें हमारे प्रोडक्शन टीम के लिए जिन्होंने हमें सपोर्ट करे इस तरीके से, और मेकअप आर्टिस्ट के लिए, और इस तरीके से नदीम उस्मानी भाई के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत थैंक्स यार, उनकी बड़ी सपोर्ट है और उन्होंने हमेशा से इनकरेज किया। हम आगे बढ़ते हैं, रमजान भाई बताइए। हाँ, मैं वो फ्लोर के वाले से बता रहा था, उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस कुछ शेयर हुआ अभी ब्रेक में, कि 45 इयर्स मैंने एक्सपीरियंस बताया, और ये कुछ एतराज भी आया कि आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, तो वो मैं थोड़ा डिफेंड करता चलूँ। शारिक भाई की मुस्कुराहट ज़रा ख़तरनाक है। तो अच्छा। मैं बहुत कम उम्र था, 5 या 6 साल का ही था, तो मुझे घर में हमारे बड़े भाई उस्ताद मोहम्मद लतीफ़ पाकिस्तान पोजीशन होल्डर, उन्होंने मुझे पोजिंग उसी वक्त सिखा थी, तो मैं उस दिन से ही मैं अपने आप को काउंट करता हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ रियान भाई, आप अपनी कैलकुलेशन करते रहिएगा, बातें तो चलती रहेंगी, ठीक है ना, कैलकुलेशन करेंगे कौन जाएगा ये देख लो भाई तुम लोग। और रेडियोज के लिए अली भाई, जैसे आपको तो मैं चाहता हूँ कि अगले इवेंट में बिल्कुल चेंज नजर आएंगे, और मैं ये चैलेंज भी करता हूँ नेचुरल पे, यानी कि उसमें कोई ड्रग्स नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, नेचुरल फ्लोर वो आपको हायर करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। बाकी उसमें जैसे आलू भरी रोटी बनती है भाई, आप समझती हैं, और आपके घर वाले भी देख रहे होंगे, और जो ऑडियंस देख रहे हैं, देसी टोटके हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस तरीके से आलू भरी रोटी बनती है उसमें, खुल के बताया, तो उसमें आपने फिश है, फिश का इस्तेमाल करना है, नॉन फैट, उसको बगैर ऑयली बॉयल करके या स्टीम करके आपने उसमें डालना है, और हरा मसाला और उसका ज़ीरा, नमक, मिर्च, हसबे जायका, उसको आपने पेस्ट बना लेना, और वो उसके अंदर आपने आलू भरी रोटी की जगह वो आपने करके, वो फ्लोर उसको यानी कि मदद करेगा आपको, आपके रिड्यूस अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रोटीन कैलोरीज जो भी हैं, वो उसको आपको फैट्स को रिड्यूस करते हुए, जब आप वाटर लेंगे तो आपके यूरिन या स्टूल पास हो जाएगा, वो फैट रिड्यूस होता रहेगा रोजाना की बुनियाद पे। आप देखते हैं कि एक सवाल उठता है यहाँ, आप फ्लोर की बात कर रहे हैं आटे की, तो इसमें आटा तो जौ का भी होता है, गंदम का भी होता है, ठीक है ना, चक्की का भी होता है, वाइट भी होता है, तो आप थोड़ा सा ये वाजे कर दें पब्लिक के लिए कि इसमें फ्लोर कौन सा लिया जाए। हाँ, ये उसमें आपने पराठे की बात की, तो ज्यादातर मोस्टली लोग जो होते हैं अगर बाहर पराठा लेते हैं, तो व्हाइट आटे का ही होता है, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ी सी वजाहत तलब है। हाँ, ये अच्छी बात है आपने बोला, वो आटा है चोकर का आटा है, कुछ उसमें जड़ी बूटियां डलती हैं, वो मुझे कहीं से हायर करना पड़ता है, तो वो हमारे वालिद साहब थे, वो हमें बता के गए हैं, और रमजान में फिर एक सवाल उठ रहा है। हाँ। देखें, यहाँ हम बात कर रहे हैं पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, तो आप कोई ऐसी बात बताइए, हर एक को तो जड़ी बूटी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो उसमें आप एक इजी वे में बताइए कि कौन सा आटा, अब उसमें ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो मतलब जड़ी बूटी कहाँ से लाएंगे, आप कहेंगे एक आटे का बता दीजिए कौन सा है, चौकर है या प्योर चक्की का आटा है, गंदम का है, ताकि वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसमें जो है ना, उसका चोकर निकाला नहीं गया, छाना नहीं गया, इसका जो बोर है उसमें अंदर मौजूद होता है, वो भी यही काम करता है, आपको रिड्यूस करता है और फैट्स को फेंक देता है, और जो जड़ी बूटियों का ताल्लुक है वो आपको, हमें हमारे संदादा जिम है, अकेडमी है, वहाँ हमने हमारा हेड ऑफिस भी है फेडरेशन का, तो वहाँ आके बआसानी, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है प्रोग्राम में, इतना टाइम नहीं है, तो वो आके हमसे पूछ सकते हैं, पूरा शेड्यूल ले सकते हैं, या हमारा जो वेब चैनल है उसको इनबॉक्स कर सकते हैं, फेसबुक पर रابطہ कर सकते हैं, डाइट प्लान लेने के लिए। टोटल में बहुत बड़ा बता, ये भी कोई वो नहीं है, इरफान की सूरत पे, इरफान को दिया है इन्होंने, ये इनके 20 केजी रिड्यूस हुआ है, वो असलम भाई ने वर्कआउट कराया है, डाइट मेरी है इसमें। माशाल्लाह, जिस तरीके से देखा आपने की ऐसी ब्रेड, एक ऐसा पराठा जिसको आप खा के अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, तारीख के इतिहास में आई थिंक सो ये कभी ऐसा हुआ नहीं, कोई ऐसा पराठा है जो आपके वेट को रिड्यूस करे, ऑल वर्ल्ड कहीं पराठा हमेशा वेट को बढ़ाते ही, वेट को बढ़ाता है जी। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं, मिल जाएगा, थैंक यू मच।
शो नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अली हुसैन, प्रोग्राम हमारे सुपरस्टार शो में एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब हम जा रहे हैं, बहुत सारा ताली हो जाए सबसे पहले तो लैफ्ट हो जाए, सही है ना। इसी तरीके से नाज़रीन इस शो को एंजॉय करते रहे। शो विल कम्स ऑन एवरी संडे ऑन 6:05 PM और आप जरूर देखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में हमारी लाइव कॉल्स भी होगी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारी लाइव कॉल्स नहीं है इस दफा, लेकिन नेक्स्ट वीक में हमारे पास लाइव कॉल जरूर होगी। लेकिन फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी जान सकते हैं। और जितने भी हमारे गेस्ट बैठे उनके लिए मैं सबसे दोबारा से कहूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कीप दी टाइम टू टाइम निकाला। कंटेस्टेंट क्लैप फॉर हिम ऑल आप, ये ना फॉर आवर प्रोडक्शन टीम के, उन्होंने इतना अच्छा सेट बनाया, सेटअप करके दिया फॉर क्लैप अली हुसैन के लिए भी क्लैपिंग। अच्छा मरला, आप यहाँ पे चेंज होता चले जाते हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कंटेस्टेंट की तरफ, सही है। हमारे पास सही रियान अली साहब मौजूद हैं जो अपने फाइनल डिसीजंस के वाले से बात बताएंगे। रियान भाई माइक ले लें आप, और अब आप बताइए जो जो कंटेस्टेंट हैं आप उनको कैसे फाइनलाइज करना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए। इसमें माशाल्लाह 6 हमारे पास कंटेस्टेंट थे, नहीं अच्छा जिनका नाम लेंगे वो खड़े थ्री थ्री बस पोजीशन नहीं है। सेम इसमें ज़ाहिबत है, माशाल्लाह ज़ाहिबत है। हम एक तो ये प्रोग्राम हमने किया उसमें, तो इसमें यह है कि 6 में से जो सिलेक्शन मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे किया है, इसमें क्योंकि पोजीशन तो नहीं है इसमें लाइव आते, हमें इसमें से 3 लड़के सिलेक्ट करने हैं ताकि हमारा नेक्स्ट उसमें वो पेयर होंगे प्रोग्राम में, सही ठीक है। और बाकी जो ना 3 हमारे जो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह अपनी इसी स्ट्रगल को जारी रखेंगे ताकि आइंदा उस प्रोग्राम में। तो आप क्या कहते हैं 3 6 को खड़ा कर ले सामने, 6 को खड़ा, हां आज आप 6 के सामने फ्रंट पे स्टेट हो जाए, आप खड़े हो जाइए, 6 के 6 यहां खड़े हो जाए, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, हां टेबल के पास और आगे आ जाए, और आगे आ जाए, और आगे पहले भाई 3 और आगे सोशल डिस्टेंस के साथ आगे आइए, आ जाए मेरे पास, इधर आ जाए मेरे पास, आ जाए इस तरफ, आ जाए आप लोग इस तरफ, आ जाए यहां इस तरफ, आ जाए कुछ इस तरफ, आ जाए इस तरफ, आ जाए। देखें इनकी कितनी मोहब्बत है आपके, आपको करीब बुला लिया तमाम टीम का, 3 इधर आ जाए मेरे पास, अब वीडियोस हो जाएंगे अली भाई, आ जाए एक इस तरफ, आ जाए इस तरफ, आप थोड़ा डिस्टेंस रखें प्लीज, डिस्टेंस रखिए जी, आप भी थोड़ा सा अहमद खुल जाइए, हाँ थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप भी थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ठीक है सही है। अच्छा सामने सुनना, इस तरफ आ जाए आप लोग, इस तरफ आ जाए, दो 10 आप सही है, 10 मार ठीक है, ओके जी रियान भाई। हाँ अली भाई, अली भाई इन 6 में से मैंने 3 जो है कंटेस्टेंट निकाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अजीम, अजीम आगे आइए, अजीम आगे आ जाइए, अजीम हाँ अजीम आगे आइए, हाँ ठीक है। फिर मेरे पास हैं हमजा, हमजा अली, हमजा अली सामने आइए, ठीक है सही। और तीसरे हमारे हैं एजाज हुसैन साहब, एजाज ये 3 सिलेक्शन मैंने किए हैं जो कि इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है। अच्छा रैन भाई इसमें देखें, मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि ये अच्छा दोबारा से आप लोग बैठ जाइए, तीनों की तीनों ये सामने जो खड़े हो 3 बैठ जाए, जो 3 आपने रिजेक्ट कर रहे हैं सब बैठ जाइए, जाके सब ये डिफेंड करेंगे कि किस क्राइटेरिया पे आपने ये जजमेंट करी है। मैं एक तो आपकी कुछ मुझे कुछ बात थोड़ी सी मैं तसदीक करूंगा, रिजेक्ट नहीं किया मैंने, रिजेक्ट का मतलब होता है वो उनको हटा दिया, लेकिन फिर भी हां मैंने सुपर 3 तो नहीं किए हैं कि वो उनसे बेहतर तैयारी करके आए थे, नहीं तो क्या क्राइटेरिया इसमें मस्कुलरिटी है या मास गेनिंग है, देखिए अब देखते तो हमारी बॉडी माइंड नहीं करिएगा क्योंकि हमें नहीं 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 डजंट मैटर, मेरी फील्ड है और आप तो अकेले सब बैठे हैं, मैं जब हजारों के मौजमे में बैठता हूँ तो लोग विभिषण करते हैं, मुझे जस्टिफाई करना पड़ता है, इट्स माय ड्यूटी। तुम लोग तालियां बजाओ भाई, तुम लोग की तालियों से तुम लोग बच सकते हो, क्योंकि इट्स माय ड्यूटी। ये आपने मस्कुलरिटी पे करा, और मैं आपके उसके लिए बता दूं कि जब भी हम किसी बड़े प्रोग्राम में बैठते हैं तो बकायदा पहले वहां हलफ लिया जाता है। देखिए एक बंदा है जिन्होंने क्लैश किया और रमजान में, लेकिन मैं इसको मैं क्लैश नहीं कहूंगा, सर बात है हर आदमी का अपना जजमेंट होता है, पॉइंट ऑफ जजमेंट अलग होता है, लेकिन रणवीर मैं उनका चेहरा देख रहा हूं अली भाई, आप देखें, हां जैसी बात है, देखिए मेरा ख्याल से अली भाई निकले लेकिन वो बात ये है, कोई भी एग्जाम हो हजारों लाखों तादाद में कैंडिडेट बैठते हैं, उसमें से पोजीशन होल्डर 1 ही निकलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों के साथ आपकी इसमें मैट कर दूंगा कि एक बच्चा जो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ता है, बॉडी बनाता है, इस तरीके से एलिमिनेट हो जाता है तो फीलिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट है, फीलिंग तो होती होगी लेकिन उनको पता है क्या, उनको अलग सीखने का मौका मिलता है कि मेरी क्या मिस्टेक थी, सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा बाजब ऐसे होता है कि बॉडी बहुत अच्छी है, सही कह रहे हैं, लेकिन वो शो ऑफ नहीं कर पा रहे, शो ऑफ नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। देखिए मुझे तो वो पॉइंट्स देखने अपने, मैं आपके इनके कहने पे नहीं चलूंगा, सही कह रहे, मैं अपने पॉइंट्स देखूंगा, अगर वो मेरे उस कैलिबर पे नहीं उतर रहा, वो बहुत अच्छे, अभी जैसे बहुत अच्छा
इंटेलिजेंट बंदा है पढ़ाने वाला, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छी ट्यूशन पढ़ा दे, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि अच्छा ट्यूशन पढ़ा दे, ये की फन है। तो इसी तरह माशाल्लाह बॉडी अच्छी। आप जो तीन आपने सेलेक्ट किए आज के एपिसोड, हाँ मैंने उनकी ऐसा इंपॉर्टेंट मैंने थ्रो आउट, आप लोग भी सवाल कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर कोई सवाल है आपका। तो रियान भाई ने तीनों अच्छे लड़के निकाले, बिल्कुल सही सही है ना, ये इत्तफाक करते हैं रियान भाई से। आप जो है ना तारीख में क्या कहते हैं आप, वैसे तीन जो लड़के निकाले सही है, बाकी मोटिवेट होना चाहिए नेक्स्ट के लिए, या फ्यूचर में अपनी अच्छी बॉडी बनाए ताकि कंटेस्टेंट, हाउ इज योर फीलिंग नाउ। देखिए आप अपना इसमें मैं जवाब दूं, कोई घर चला जाएगा कोई यहाँ। देखिए रैन भाई एक मिनट, आदि भाई आपने देखे बेटा, आप खड़े होइएगा, अकरम नाम है आपका, इनके आंखों में मैंने अभी आंसू देखे। अच्छा हाँ, तो यार ये तो सर मैं आपकी बात अकरम इधर आ जाए, इसको आप रियान भाई आपसे मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, मैं बुलाऊंगा एजाज को, आप आ जाए, आके आ जाए आप एजाज, मैं एजाज को बुला रहा हूं। अच्छा हमजा आप आइए, आप भी आइए, आप यहाँ खड़े सामने खड़े हुई, हाँ थोड़ा सही है, तो क्यों मैं महसूस कर रहा हूँ, नहीं आप महसूस कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छा कैमरे के सामने खड़े हुई है, इस तरफ आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, मेरी तरफ आ जाइए, हाँ इधर खड़े ठीक है, दस माइक ओके, हाँ ठीक है, बताइए अब आप खुद देखिए बॉडी वाइज जज करें, ठीक है ना। अच्छा हमें अपर से लेके लोअर तक पूरी बॉडी जज करनी पड़ती है, और अब जाहिर बात है ठीक है आंसू आए, लेकिन इनके आंसू को देखते हुए मैं डिस ओने नहीं कर सकता कि मैं उनके साथ नाजायज कर दूं, नाजायज कर, ठीक है, उनकी बॉडी और फिगर प्लस स्टाइल हर चीज उसमें काउंट होती है, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है, ये फिजिक्स मॉडलिंग है हमारी, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको भी टाइम चाहिए, साहब पता शाह सवारी गिरता है मैदान जंग में, ठीक है, और इनकी यही बड़ी बात है कि सिलेक्ट होकर यहाँ तक तो आए, वरना ये भी अभी व्यूअर्स की तरह घर पे बैठे टीवी देख रहे होते, सही कह रहे, लेकिन अब जाहिर बात हिम्मत की इन्होंने, हिम्मत की तालियों से बहुत अच्छे रियान भाई, आप जाएं बेटा, आप लोग आपको घर वापस जाना पड़ेगा, सही है ना, ठीक है ना, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मोटिवेशन इज रियली इम्पोर्टेंट, अपनी आप स्ट्रगल कीप इट अप रखिएगा, बड़ा आज नहीं तो कल हो सकता है, आप यहाँ में हम इसमें दिल भी तो दे रहे हैं ना, अभी जैसे हाँ। यार आपको याद दिलाते रहेगा, आप इवेंट में आए और ऐसे इवेंट में आए जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, तो ये इनके लिए क्लिपिंग है कि ये सिलेक्ट हुए हैं, सर्टिफिकेट ले आइए प्लीज, सर्टिफिकेट्स ले आइए प्लीज, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं तीन लोगों के लिए सर्टिफिकेट्स जो है, हाँ जी सर्टिफिकेट दे दीजिए मुझे जी। अच्छा सर्टिफिकेट्स पे ये आप ले लीजिए, इस पर साइन करने हैं आपने, ठीक है ना, नेम एंड पोजिशन फॉर द, इसमें आप बेसिकली सर्टिफिकेट्स में रियान भाई आप इसमें जो है जो एलिमिनेशन वाले जो है तीन लड़के उनके लिए बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा मैं आप लोगों के तो जाहिर सी बात है मुझे भी बड़ा अजीब से फील हो रहा है जो एलिमिनेट हो रहा है यार पहले एपिसोड में जाकर, बट मेरी ये है कि कोशिश के मैं कोशिश करूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा राउंड होता या कोई पॉइंट होता तो मैं लगा देता, चलो यार एलिमिनेट नेक्स्ट वीक कर लेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे, लेकिन क्या करें जैसे बैठे हुए, सही है ना, तो मैं अभी कुछ इसमें कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अच्छा डिफेंड करा मुझे, रमजान भाई ने कोशिश की थी लेकिन रमजान में फेल हो गए, अच्छा जल्दी से सर्टिफिकेट्स पे कर दीजिए ताकि हम निपटा दे, ठीक है ना। एलिमिनेशन वालों के लिए एलिमिनेट जो है उनके लिए सर्टिफिकेट्स के लिए जी मुझे टाइम बता दीजिए कितना रहेगा, ठीक 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 है। अच्छा इसी के जब तक वो साइन कर रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चे देख रहे हैं सामने आपके, देखें आप उनका चेहरे और तमाम किस्मत के हवाले से देखें, जो लोग आपको इनकरेज कंटेस्टेंट लिसनिंग सुने हमको बनाने वाले लोग होते हैं, और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि सारे ऐसे लोग जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं वो रिजेक्ट भी हुए बार बार, लेकिन फिर वो खड़े हो गए घर झाड़ के, और देखिए आज कितने बड़े कामयाब हैं सारे खिलाड़ी, हुए तो किस्मत से मायूस ना होइए, क्योंकि आप अच्छा होते देखते हैं इर्द गिर्द तो फिर आपका दिल छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे तीन सर्टिफिकेट दे दीजिए आप उसके लिए, ठीक है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एलिमिनेट्स, ठीक है, हाँ तीन वाले दे दें मुझे, ठीक है। अच्छा इसमें साइंस करने हैं मुझे, पेन भी दे दीजिएगा ताकि मैं साइन करा लूँ उसमें, अमन भाई आपका सिग्नेचर प्लीज इस पर, थैंक यू जी, बिल्कुल एक एक करके, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। मैं अच्छा फॉर द गाइस हु आर द विनर्स जो आज बच गए नेक्स्ट एपिसोड के लिए, क्या फीलिंग्स है भाई, फीलिंग्स कैसी है
बहुत खुश हूँ। जहर सी बात है, अगर कोई भी अगर शख्स यहाँ पे आता है और क्वालिफाइड होता है तो उसकी खुशी की बात होगी, लेकिन हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो नहीं सकते जो लोग एनिमेट हुए हैं, वरना लोग सोचेंगे तो ये इसी वजह से जो है ना खुशी को दबा के हम लोग बैठे हुए। अच्छा ये इसमें सिग्नेचर्स मैं थोड़ा अनाउंस कर दूँ। हाँ कर दें। मैं अभी नेक्स्ट एपिसोड के लिए पूरे पाकिस्तान से जो कराची में रहते हैं रिहायशी, पूरे पाकिस्तान को बोलता हूँ जो गायब हैं आए हुए हैं जो कराची में रहते हैं वो अगले उसके लिए एपिसोड के लिए सिलेक्शन के लिए आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जारी है और जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कर सकता है। आप हसन दादा जो जिम है इनबॉक्स कर सकते हैं रमजान भाई को, मुझे इनबॉक्स कर सकता है फेसबुक पे, रब्ता कर सकता है मैसेंजर पे, कोई ऐसा मसला नहीं। रजिस्ट्रेशन अभी जारी है, ठीक है। एलिमिनेशन में हमारे पास नाम आप लिख दीजिए जो जो वो किसी भी फेडरेशन से ताल्लुक हो वो आ सकते हैं इसमें। हाँ नहीं नाम न्यूट्रल बेस पे जो किसी फेडरेशन से नहीं भी है डायरेक्ट लड़का भी हमारे पास खिलाड़ी भी आ सकता है। हमने फेडरेशन को फॉलो नहीं करा और फेडरेशन को रोका भी नहीं है, तो तमाम खिलाड़ी उसमें आ सकते हैं। असलम भाई जाएंगे सही, और असलम भाई को बुला लीजिए ताकि हम उनके ज़रिए ये जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करा सकें एक एक को, ताकि आज के हमारे ऑर्गेनाइज़र जो तमाम खिलाड़ियों को जमा करा और यहाँ लेकर आए। असलम खान, असलम खान तशरीफ़ ले आए। असलम भाई तशरीफ़ ले आइए बेटा, बुला के ले आइए। जी जी आ रहे हैं। असलम भाई के लिए तालियां हो जाए प्लीज। असलम खान के लिए तालियां, तालियां हो जाए, ठीक है जी। आ जाइए असलम भाई, इस तरफ आ जाइए हमारे सही है जी, ठीक है आप इस तरफ आ जाइए। असलम भाई इस तरफ, मेरे इस तरफ आ जाइए। असलम भाई इस तरफ आ जाइए। असलम भाई के हम शुक्र गुजार हैं, उन्होंने खिलाड़ी जमा करे और यहाँ तक पहुँचाए। ठीक ठीक सही है। फहद अकरम और अहमद, ठीक है ना, एक एक कर हम कंटेस्टेंट को बुला रहे हैं, ठीक है। आप आइए और अपने सर्टिफिकेट सेलिब्रेशन के लिखे जाइए। हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं इस टाइम मोहम्मद असलम, एक बॉडी बिल्डिंग की दुनिया बड़ा नाम, ब्रदर ऑफ मोहम्मद रमजान खान, रेहान साहब मौजूद हैं, आंटी नुजत मौजूद हैं, हम सबसे सर्टिफिकेट्स आपको दिलवाएंगे। सबसे पहले मेरे पास अकरम आ जाइए, तालियां बजाएं प्लीज, उनको इंकरेज कीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए। ये सर्टिफिकेट असलम भाई आपके हाथ से दिया जाएगा और सामने आ जाइए बिल्कुल मॉडल। हाँ और आप भी पकड़ लें सर्टिफिकेट रमजान भाई, सही है ना। अली भाई आते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट प्लीज, आप हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अकरम, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट इवेंट। फहद आ जाइए हमारे पास प्लीज, तालियां हो जाए प्लीज, तालियां हो जाए। अब जीत गए तो तालियां नहीं बजा रहे तुम लोग, तीनों यार तालियां बजाओ यार, नेक्स्ट एपिसोड में कट गए तो फिर क्या करोगे जी। फहद ये आपका सुझुक है, अच्छी दूसरा आप आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। आप आ जाइए शारिक भाई, भाई शारिक भाई जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, ठीक है प्लीज, थैंक यू मच, ठीक है। लास्ट लास्ट जो सर्टिफिकेट है वो अहमद के नाम का है, प्लीज़ अहमद आ जाइए। आप आ जाइए मंसूर भाई, आप इरफान तुम आ जाओ, ठीक है, और मैं भी आ जाता हूँ। रियान भाई हैं, रियान भाई आप आ जाइए हमारे साथ, ठीक है सही है ना, आ जाइए हमारे साथ खड़े हो जाए, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट है लास्ट, आप पकड़ लीजिए रियान भाई, पकड़ लीजिए। और ये हमारा लास्ट इवेंट है, ठीक है, और ये हमारा लास्ट सेक्शन है, सब तालियां बजाएं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी हमारे सुपरस्टार शो में, जो देखते रहिए। रजिस्ट्रेशन जारी है, मैं आपका मेजबान अली हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देखने का, जो हमारे जो लोग देख रहे थे उनको हमने बोला था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए कंटेस्टेंट के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।